कि हे देवी, अगर आपको क्रीड़ा शरीरम संस्कारो समाजो उत्सो न दर्शनम, अगर आप हंसी मजाक कर रहे हैं तो आप मुझसे करें, अन्यथा दूसरे से नहीं। क्रीड़ा शरीरम संस्कारो समाजो उत्सो न दर्शनम, समाज में कितना भी कठिन आपका काम हो, अगर मैं समाज में बैठा हूँ, आप वहां जाकर के मुझे बुलाने का प्रयत्न मत करना, समाज में मत जाना। तीसरा क्या है कि उद्याने से मद्यपान, उद्यान माने बगीचा भी होता है, उद्यान माने रात्रि भी होती है, रात्रि के समय आप बगीचे में न जाएं, मद्यपान, मदिरा मदिरा पीने वालों के पास उस रास्ते से न जाएं, मद्यपान। राजद्वारे राजा दरबार में अगर आपका कोई कठिन से कठिन कार्य पड़ता है तो भाई हैं हमारे, पिता हैं हमारे, उनसे कह करके वहां भेज सकती हो। जब तक मैं अपने वचन से न कहूं कि आप जाओ, तब तक आप समाज में राज दरबार में नहीं जा सकते। अगर नहीं मानती हो, अगर जाना है तो देखो, इसी प्रकार से एक बार शंकर जी और पार्वती जी किए थे। पार्वती के ननिहाल में अर्थात मैके में उनके पिताजी यज्ञ करवा रहे थे। पार्वती जी ने सुना और हट कर दिया शंकर जी से, अपन हुकारी ने भरी, बहुत समझाए बुझाए, लेकिन पार्वती जी ने नहीं माना। अंतिम में शंकर जी ने कहा कि शिव संकल्प मन में, शिव संकल्प की न मनमाही आया तम सती भेंट, अब नहीं। अंतिम में उसका नतीजा खराब निकला। हे देवी, आप वैसा न करें, अगर कोई भी कार्य होता है बगैर मुझसे पूछे हुए आप कोई कार्य को न करें। आज्ञा बिना नगत्यम पति व्रता धर्म पारायण, आपके पिता भी, पिता के घर भी कोई यज्ञ हो, कथा हो, विवाह हो, जब तक मैं आज्ञा न दूं तब तक आप उनके अपने पिता के घर नहीं जा सकते। यही पतिव्रता धर्म का उदाहरण है और यही पहचान है। दिया है ना जड़ों में।